मुकेश जाहिरपुर आसन पर आया था, जेडी पार्टी का एक कैंडिडेट था, अनिल दहिना था, आज पता नहीं बैठा है कि नहीं बैठा, ये भी कैंडिडेट था अनिल झाला है। जो मेरे लोग हैं आगे रहेंगे वो आज के दिन लक्ष्मण सिंह की सपोर्ट के लिए उतरे हुए हैं, चाहे वो टिकट हासिल कर पाए या नहीं हासिल कर पाए। और लक्ष्मण सिंह के पक्ष में मैं आज अपील करूं, मुझे अजीब लग रहा है कि इस जगह के ऊपर आज से 15 दिन पहले जब इनका पर्चा पार्टी के सदस्य हूं भला कहा रहा था तो मेरी वर्कर आया था। मैं आपके जो लोग आप यहां बैठे हो हम सब 80 लोग जाए थे, क्या वजह पड़ गई इन 15 दिनों के अंदर जब लोगों को मालूम है कि लक्ष्मण सिंह को मैं जाना चाहता हूं किसी मेरे आदमी से और हो गई, क्या कैंडिडेट से और हो गई, क्या वजह है कि ये आज के दिन अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहे हैं। मैं कहता हूं इनको दुर्बल महसूस होने की आवश्यकता नहीं, मेरा एक एक बंदा आज के दिन इनके साथ रहेगा। आप लोग कहते हैं कि नदी जी तो भाई लड़ रहा है इसलिए इसके आदमी साथ नहीं देंगे, मेरे आदमी कहते हैं कि हम इसका साथ भी देंगे तो लक्ष्मण सिंह मानेगा नहीं, तो लेकर नदी सिंह के पास जी उसके भाई के साथ चले। लेकिन लक्ष्मण सिंह जिताया था, जिताने की बात कही थी जब मैंने ठेकेदार विक्रम सिंह जिताया था तो मेरे आदमी ने जिताया था, विक्रम के ठेकेदार को कौन सिंह जानता था, यहां भी चौहान का ठेक खड़ा था मैं, क्या करा करता था विक्रम सिंह ठेकरा यह बताने के बाद में पूछना सबसे सेफ कौन करना चाहता है, उनका काम करा करता था। और आज के दिन जब मैं कह रहा हूं कि विक्रम सिंह ठेकरा को टिकट नहीं मिली और लक्ष्मण सिंह को मिल गई उसके अंदर मेरा भी हाथ होगा, युवाओं को शायद आप उनका एहसान नहीं मान लो उनका काम नहीं करोगे तो भी मेरे से सुनी भी पड़ रही आप। और जिन 4-5-6 बंदों का मैंने अभी नाम लिया है, 3-4 दिन थे शायद आपके बराबर के तौर के ऊपर हैसियत रखते थे, शायद उनको टिकट मिलती वो भी जिंदगी सिटी के अंदर हो जाते, लेकिन टिकट तो वास्तविकता है राजनीति को पता नहीं चल सकता वोट के नोटी देती। और इसी बात तुम आगे भी बढ़ रहे तो हरियाणा के अंदर अभी तक हमने देखा जो चीफ मिनिस्टर बनाया है वो भी मोदी का खेल है कि आज तो दिन जिसको टिकट मिल गई सो जीतेगा। और मैं नरेंद्र भाई मोदी का दूत हूं, इस वजारत के अंदर मंत्री हूं और मैं यू कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण सिंह मेरे साथ रहा, मेरे पास मेरे लोकसभा का ऑब्जर्वर रहा चुनाव का, और कई तो ऐसे हैं जो इसके सहयोगी रहे
कुछ से छोटे लोगों के ऊपर है, कुछ से बड़े लोगों के ऊपर है। खुद कह रहे कि ये लोग तुम कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह तो पार्टी का ताला ही है, रंजीत नेता हो गया। मैं यहां मन से कैमरा के सामने कहने लगा हूं कि इंद्रजीत सिंह ही बीजेपी है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई टूटते आए हैं एक साल, भारतीय जनता पार्टी के पद लेकर के बैठे रहे पिछले 5 साल के अंदर, जिनके कंधे के ऊपर बीजेपी की टीम लगी हुई थी, आज के दिन वो अगर बीजेपी के हिसाब से काम नहीं करते, जो करते हैं तो भाई वो नकली बीजेपी के, असली बीजेपी के नाम देंगे। क्या मानती है बीजेपी देश में? मेरे में है ईमानदारी, मेरे में है स्पष्टता, मेरे में है पब्लिक पॉलिंग, मेरे में है। आज भारतीय जनता पार्टी का इंद्रजीत सिंह सदस्य है, इंद्रजीत सिंह के साथी सदस्य हैं, और जो लोग तुम कहते हैं कि ये जल्दी 5 साल पहले आए, थोड़ी देर पहले ही आए, तो भाई उन लोगों से तो हम अच्छे हैं जो आज 50 साल बीजेपी में रह करके जब उनकी हित नहीं साधी गई तो बीजेपी को ठुकरा करके भाग गए। सूद समेत उतारने का काम करूंगा, और किसी तरह की ठगी छोरी में ना करूंगा, क्योंकि मेरे आदरणीय गुरु राज इंद्रजीत सिंह जी 40-42 साल के अरसे में उनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा, ये तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दाग लगे बिना नहीं रहता। बेबाक धाकर अपनी आवाज के धनी, अपनी बात के धनी, और इस क्षेत्र की आन बान और शान हमारे बीच में आज हम सब लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं। निश्चित तौर पर मैं सदा ऋणी रहूंगा, क्योंकि 2004 में मैंने चुनाव जब लड़ा तब मुझे इतने भारी आशीर्वाद नहीं था, लेकिन उसके बाद तो आपने देखा 16 साल बाद नंबर आया। कई बार तो मैं ये सोचता था अगर 12 साल में तो कुंडली जी बढ़ जा और मैं 14 साल में रामचंद्र जी वनवास काट के आ जाए, लेकिन मैं तो राम के परिवार का लक्ष्मण हूँ, मेरी फाइल ही गुम हो गई थी। ये तो राम साहब की मेहरबानी हो, पार्टी की मेहरबानी हो, अब आज ये फाइल मिली है आपके आशीर्वाद से, राम साहब के आशीर्वाद से। तो निश्चित तौर पर उनके विचारों को, उनके संस्कारों को मैं बढ़ाने का काम करूंगा, यही आज भरी पंचायत में भरे लोगों के बीच में इस क्षेत्र की सरदारी के बीच में बाधा दे रहा हूँ।